नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सी जी, आज जिन खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहली खबर ये है कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो आज सौंप दी गई है और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है कि सांबा में जो सुरंगी इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिल रही है वो इसने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ाई है और पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद सर उठाने लगा है। ट्रांसपोर्टरों ने अपने जो किराए की मांग को बढ़ाया है कि किराया उनका बढ़ाया जाए और बहुत ही एक अच्छी सी बात है कि ड्राइवर को जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, अवेयरनेस की उनको शिक्षा दे रही है कि कैसे चलन जाए। कांग्रेस की रजनी पाटिल जो है प्रभारी है जो जम्मू कश्मीर के लिए, वो भी जम्मू में आई है। कुछ लग रहा है कि गर्मा गर्मी हो रही है सियासत में यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की। जी जब हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे कि वो सौंप दी जाएगी, लेकिन आज उन्होंने फाइनल जो रिपोर्ट है डिलिमिटेशन की वो लैंड जस्टिस जो होम डिपार्टमेंट जो है उनको दे दी, भेज दी गई है और वो डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ उनको इलेक्शन कमीशन को दे देगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चूंकि कल 6 तारीख लास्ट थी उसके जो इनके जो कार्यकाल था आयोग का, और हम समझते हैं कि जो रिपोर्ट दी गई है खुलासा सूत्रों के हिसाब से यही हो रहा है कि 6 जम्मू में बढ़ी है, 1 श्रीनगर में बढ़ी है, कश्मीर में यानी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कुल अब सीटें जम्मू में 43 और 47 कश्मीर में विधानसभा की सीटें हुई हैं। बहुत सी चीज़ें आरक्षित की गई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो POGK के रिफ्यूजी जो रह रहे हैं उनके लिए भी 1 सीट और प्लस जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय है उनके लिए भी सीट आरक्षित हो सकती है। वो हो सकता है कि नॉमिनेशन के रूप में हो या इलेक्ट के रूप में हो, ये खुलासा बाद में होगा। और आपने ठीक कहा, क्योंकि एक कदम तो पूरा हुआ जो शुरुआती था परिसीमन का, अब अगला कदम ये है कि चुनाव आयोग इस पर रिव्यू करता है जो मतदाता सूचियां हैं, जमा घटा नया जोड़ेगा पुराना कटेगा, इस हिसाब की जो भी कवायद होती है उसमें भी लगता है 3 से 4 महीने कम से कम लगते हैं। फिर उसके बाद सरकार की भूमिका है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर क्या रिपोर्ट देते हैं चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग बाद में आता है। लेकिन सब जानते हैं ये सब कहने भर की अब बातें हैं, जो सरकार चाहती होता वही है, जो मंजूर है खुदा होता है। बिल्कुल, ये ऐसी स्थिति में तो जैसे जून जुलाई में यहाँ पे अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो जाएगी तो चुनाव तब तो हो नहीं सकते हैं इतनी जल्दी में, और उसके बाद अगस्त सितंबर के बाद जो है मौसम का जो है यहाँ पे काफ़ी सर्दी शुरू हो जाती है और जब जितने भी कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पर चुनाव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो लग नहीं रहा कि इस वर्ष जो है चुनाव हो पाएंगे। जी, लेकिन एक ये बात ये भी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बात सही तो है। अगर मोदी जी चाहेंगे जी तो चुनाव करा के रहेंगे, चाहे उनको बर्फ पिघलने से रोकना पड़े या बर्फ जमाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मोदी जी इस मामले में पूरी तरह कैपेबल हैं। वो रुख बदल देते हर चीज का, ये हमने देखा भी है। तो हम समझते हैं कि अब ये है कि सियासी अड़चने बढ़ जाएंगी आज के बाद, लगेगा जो राजनेता है कि लो जी एक काम तो हो गया पूरा। जी, इसमें ये भी साथ में लगेगा कि ये क्या ये यूटी का ही चुनाव कराएंगे या इसको राज्य का दर्जा देंगे उसके बाद चुनाव होंगे। नहीं, हमें लगता है कि ये सिर्फ अभी यूटी करेंगे और जैसा कि गपशप या कयास या अफवाहें जो मर्जी कह सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि नई दिल्ली को जब लगेगा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार बन रही है तो उसके बाद हो सकता है फैसला हो। जी जी, नई दिल्ली को क्या जरूरत है जब नई दिल्ली के सारे यहाँ लोग बैठे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्रालय के हैं, ब्यूरोक्रेट्स बाहर के ज़्यादातर आ रहे हैं, सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं नई दिल्ली के मुताबिक, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक नया सरजन पालेंगे। सभी हो सकता है कि जब BJP के नेतृत्व वाली यहाँ सरकार बने और उसके बाद ये क्रेडिट भी BJP के खाते में जाएगा कि देखिए हम सरकार में आए और हमने स्टेट बहाल कराई है। तो कई बातें हैं, अब ये भविष्य के गर्भ में है। अब देखिए, फिर भी हम कहेंगे
कि मोदी जी जो चाहें वो सकता है, इसलिए ये कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। श्री जी, जैसे प्रधानमंत्री की जम्मू की यात्रा से दो दिन पहले सुंजमा में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी अटैक थे, वो टेररिस्ट मारे गए थे, उसके बाद जितनी भी एजेंसी थी वो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सीमा है वहाँ पर सब छानबीन कर रही थी किस रास्ते से वहाँ से, और वहाँ से अभी जो पता चला है कि वहाँ से सुरंगों का पता चला, इससे भी पहले भी बहुत सी सुरंगों का वहाँ से पता चला है। बड़ी एक चिंता का विषय है ये कि अब दो आ चुके हैं, दो मारे चुके हैं, अब क्या दो ही आए थे या उससे ज्यादा आए थे, जहाँ वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितने हथियार वहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यहाँ पर हर वक्त भारत BSF जो है चौकसी पे रहती है, वहाँ पे किस तरह से सुरंगें निकल रही हैं, उसका तो मानना ही पड़ेगा ना कोई इस तरफ भारत की तरफ कोई ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, हथियार इनको मिल रहे हैं, सुरंगों के अंदर से जो लिफाफे जो ग्रीन कलर के बड़े बड़े मिल रहे हैं वो सीधा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान से वहां से आया, वहां से ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर बॉर्डर के जो लाइन के उस तरफ से वो सुरंग होगी, उसका जो मुंह है वो भारत की तरफ है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। नहीं, आपने ठीक कहा, देखिए ना पिछले अगर एक साल की बात करें तो काफी बड़ी तादाद में सुरंगे जी, और इस साल तो कहते हैं बल्कि चौथी के पांचवी सुरंग पकड़ी गई है, और इसी इलाके में सबसे ज्यादा पकड़ी जाती हैं, और इसी इलाके में ड्रोन सबसे ज्यादा आते हैं। तो वही आपकी अली बात कि जब हमारा सीमा सुरक्षा बल जो गार्डनिंग कर रही है भारत पाक सीमा की, चौकसी बरत रही है, दावे भी किए जाते हैं बार बार, हमारे DGP BSF आए, IG जम्मू फ्रंटियर भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन हैरानगी उस बात पे आती है कि इन तमाम कड़ी चौकसी के बावजूद सुरंग हमें बाद में क्यों मिलती है। अगर हम सुजवा के फिजाइन हमले की बात करें, फिजाइनों की बात करें, वो पुलिस का खुद कहना था DGP का, पश्तो बोल रहे थे, लगता था कि वो अफगान मूल के हो सकते हैं, है तो विदेशी, और वो इसी बॉर्डर से क्रॉस करके आए हैं। तो वो घटना देखिए 22 तारीख की है, आज है 5 तारीख जी जी, यानी करीब दो, और वो आए उस सेम डे तो आए नहीं, उससे पहले आए, कब आए ये किसी को मालूम नहीं। तो हम समझते हैं कि करीब अगर 15 दिन बाद अगर इस टनल से आए, अगर कह रहे हैं, तो ये और चिंता की बात है कि आखिर सुरक्षा में कहाँ चूक रह जाती है कि हमें टनल का ज्ञान जो है, टनल हमें तब मिलती है जब 15-20 जाते हैं। और मुझे याद आता है कि इस टनल के जो पहले मिली थी एक दो बार, और जो ड्रोन आए थे उसको लेकर जो सेवा अनिल ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो बड़े रक्षा विशेषज्ञ जाने माने, उन्होंने भी तब सवाल उठाए थे कि आखिर ये क्या वजह है। देखिए ना, LOC हमारी वो पहाड़ी है, खड है, उसकी टॉपोग्राफी बहुत कहा जाए बड़ी डिफिकल्ट है, ये तो प्लेन्स है, ये तो प्लेन्स है। अच्छा, फिर देखिए ना, जो हमारे सरहद के साथ पूरा जो 192 या 197 किलोमीटर कठुआ से लेकर अखनूर तक जा रही है, उसके LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या करती हैं? वो जब कहते हैं हम गांव 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 घूम रहे हैं जो सरहद से जटे गांव हैं, उसके अलावा वहां के पुलिस स्टेशन के जो मुखबिर होते हैं या पुलिस स्टेशन के बीट अफसर होते हैं वो क्या कर रहे हैं? BSF जो है जो गार्डनिंग कर रही है उसकी तो अपनी एक सीमा है, लेकिन जो खेत में जाके निकलती है उसमें तो वो तो एक सिविलियन इलाका आ जाता है। वहां तो देखिए कई बार ऐसी जानकारी हम पर आई है कि बहुत सी जानकारियां ड्रोन की हो टनल की हो वो ग्राहियों ने दिए, गांव के लोगों ने दिए, जिनके खेत थे। तो हमें ये बड़ी चिंता और चुनौती की बात है कि अगर भारत पाक सीमा पर इतने एंटी टनल ड्राइव चलाई गई, सब कुछ किया गया, फिर सुरंगें मिल रही हैं, ये वास्तव में बेहद चिंता की बात है। लेकिन श्री जी इसके साथ दूसरी चिंता की बात ये भी है कि पंजाब में आतंकवाद फिर सर उठा रहा है। आज हरियाणा में पंजाब पुलिस और कोर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उन्होंने बब्बर खालसा के जो आतंकवादी 4 खूंखार आतंकवादी वहां से पकड़े हैं और बहुत से हथियार उनसे बरामद हुए हैं, दो जखीरा बरामद हुआ है जो कि ड्रोन से वहां पहुंचाया गया। इससे पहले कितनी बार वो कहां से महाराष्ट्र ले गए हैं या रांची ले गए हैं, कहां ले गए हैं, उस पर जांच हो रही है। लेकिन बात सबसे बड़ी बात है कि एक काफी देर के बाद फिर खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो पंजाब के अंदर फिर से शुरू हो गई। देखिए ये बड़ी चिंता की बात है, पिछले दिनों जो घटना घटी पटियाला में वो रेफरेंस लाजमी आएगा। जब हम आतंकवाद की बात करेंगे या इस प्रकार की बात करेंगे तो हमें बहुत सी चीजें पीछे मोड़ के देखना होगा, और वो घटना को अभी एक हफ्ता नहीं हुआ शायद,
जो पटियाला में जो विश्व विख्यात महाकाली का मंदिर है, पीठ है बहुत बड़ी कलकत्ता के पास, उस पीठ को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो मैं समझता हूँ वहाँ अगर परिसर, मंदिर परिसर में लोग तलवारें लहरा रहे हैं और एक अजीब आतंक का माहौल था उस टाइम, जो विजुअल हमने देखे वो वास्तव में बड़ा डरावनी और भयावह स्थिति पैदा करने वाले हैं। और आज जिस प्रकार वो ये चार पकड़े गए करनाल में, नाकर पे पकड़े गए तवेरा गाड़ी में, पूछताछ पता चली तो तीन अपना बॉर्डर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के थे, एक लुधियाने का था और उनका कहते हैं हैंडलर जो पाकिस्तान में बैठा था। तो हम समझते हैं कि और अच्छा उनसे कुछ पाउडर मिला है, लगता है कि वो RDX हो सकता है, इसकी अभी वो FSL में रिपोर्ट भेजी गई है, गोलियां मिली हैं, पिस्टल मिली है, करंसल मिला है। तो उन्होंने खुद माना, पहले कहा जी हम जा रहे हैं तेलंगाना, फिर कह रहे हैं नांदेड़ जा रहे हैं, तो बयान अभी वो बदल रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस, चूंकि दिल्ली रस्में बढ़ती है, दिल्ली पुलिस का जो एंटी टेरर सेल है जिसे स्पेशल सेल कहते हैं, वहाँ बड़े काबिल और बड़े जीवट किस्म के अफसर और जवान हैं, वो अलग से उनसे पूछा रहेंगे। लेकिन मैं हैरान ये हूँ, अभी मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का बयान देख रहा था टेलीविजन पे, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारी पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, आपकी स्टेट पुलिस ने साथ मिलकर पकड़ा है तो आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते, आपको क्या परेशानी है? तो मैं समझता हूँ कि आतंकवाद पंजाब में जिस तरह फिर से उठा रहा, चार लोग पकड़े खालिस्तान से जुड़े हुए, और हम समझते हैं ये आने वाले समय के लिए एक बड़ी अलार्मिंग स्थिति है। और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट डिजाइंस हैं उसको सबको समझना होगा, खासतौर से पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को समझना होगा। उन पर वैसे ही शुरू से बड़े आरोप लगते रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस से उनको समर्थन मिलता है, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई फ्री नहीं जा सकता, इसमें सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक, क्योंकि देश की रक्षा से जुड़े मामले हैं, इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे दिल्ली की सत्ता हो या पंजाब की सत्ता। सी जी, गर्मियों का सीजन है, इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मियों के लिए पक्षियों के लिए सबसे मुश्किल होती है, पक्षियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, अगर कहीं पानी है तो वो सूख गया होता है। तो इस बहुत सालों से डोगरा सदर सब के जो प्रेसिडेंट है ठाकुर कुलचैन सिंह, वे इस पर मुहिम चला रहे हैं पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, और आज भी उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने पक्षियों के लिए जगह जगह कटोरे बांटे बने हुए ताकि उनमें पानी डाला जा सके, ताकि पक्षी पानी पी सके। इसके अलावा उन्होंने जितने भी हमारे शहर के वासी हैं उन सब से निवेदन किया है, उन सबको अपील की है कि अपने घर के छतों के ऊपर पानी जरूर रखें, क्योंकि इस वक्त गर्मी की वजह से पानी हमेशा होता है, पक्षी जो है गर्मियों में बड़े मर जाते हैं जब उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इसलिए सभी से यह निवेदन किया है और हम भी चेक चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है डोगरा सदर सभा उठा रहा है, तो हमें भी चाहिए कि अपने अपने घर की छतों पे बाहर जितनी जगह जितनी जगह है पक्षियों के लिए पानी अवश्य डालें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब एक सियासतदान एक सामाजिक कार्यकर्ता दिखाई देता है तो हैरानगी भी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं हमने पिछले सालों में भी देखा कि डोगरा सदर सफर के सम्मुख प्रमुख जो है गुलचैन ठाकुर, गुलचैन सिंह चालक, ये पहले भी इस तरह की अपीलें और कार्यक्रम करते रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा मानवीय ये सोच दर्शाता है कि ठाकुर साहब किस तरह पशु पक्षियों पर, परिंदों के वो इस मौसम में जब हम प्यास के पानी के लिए तड़पते हैं तो उनको आखिर बेजुबान किसको कहेंगे। मुझे याद आता है कि मैं जब MLA हॉस्टल रहता था और जाता था मांडा सैर करने, और वहाँ पर जंगल का पूरा इलाका है ट्रैक पे, वहाँ पर जितने वो पानी के बने सब सूख गए थे। हमने उस दौरान यहाँ के चीफ इंजीनियर जो PHE उससे रिक्वेस्ट करी, तत्काल तब मंत्री चौधरी श्याम चौधरी थे उन तक अप्रोच किया, लेकिन जब हम थक गए तो हम खुद वहाँ पर जो इवनिंग वाकर या मॉर्निंग, मैं इवनिंग वाकर का प्रेजिडेंट भी रहा हूँ वहाँ, तो मॉर्निंग वाकर के सब लोग जो है अपने अपने घर से पानी की बोतलें भर के लाते थे और रास्ते में जो जगह मिलती थी उनके लिए पानी डाल के निकल जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और इस पर इससे सीख लेनी चाहिए बाकी राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को। हो सकता है कि पक्षियों के नाम पर बड़ी NGO चल रही हो, लेकिन उन NGOs के लिए भी एक, मैं समझता हूँ, एक अच्छा संदेश है ठाकुर गुलचैन सिंह साड़क का कि आप आगे आइए और बेजुबान परिंदों के लिए भी अपना वक्त निकालिए, उनको पानी का इंतजार करिए। कांग्रेस की रजनी पाटिल जो इंचार्ज है, जो मैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के लिए, वो जम्मू में आए जी, और लग रहा है कि एक बार फिर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो कांग्रेस के दोनों दलों को आपस में मिलाया जाए, क्योंकि यहाँ के हालात इस तरह से बन रहे हैं
कि कुछ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, कुछ आपकी तरफ भाग रहे हैं, और बीच में कांग्रेस खड़ी है, इसलिए वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है। तो एक बार फिर उसकी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये सबको मालूम है, खासतौर से जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बड़े लोगों को मालूम है कि किस प्रकार यहाँ गुलाम नबी आज़ाद और जीए मीर के बीच में लगातार एक लंबे अरसे तक घमासान छिड़ा हुआ है, शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। और अब चूँकि गुलाम नबी आज़ाद के बारे में जो हमारे नई दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं, वो शायद वो समझ गए हैं कि जो दिल्ली की सत्ता ने जो मुस्कराहट उनकी ओर एक बढ़ाने की कोशिश की थी, वो लगता है कि एक दिल बहलाने की थी, वास्तविक में नहीं थी। और अब वो दोबारा से वो कहते हैं अपने घर शाम को लौट रहे हैं। तो लग रहा है कि पार्टी आला कमान सोनिया गांधी का कोई निर्देश हो तो उस नाते वो आज पहुंची हैं, दो दिन रहेंगी, और कल वो भी आ रही हैं। रंजीत कौर जो हैं वो चुनाव पर भारी बनाई गई हैं। तो समझा जा रहा है कि दोनों दलों में, दोनों जो ग्रुप हैं उनमें कहीं ना कहीं दोबारा सामंजस्य बैठाया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए, ताकि जो चुनाव अगर होते हैं तो मिलकर लड़े जाए। ये सबको मालूम है कि एक बात तो मान्य की है कि भले गुलाम नबी आज़ाद को आज जब कांग्रेस दिक्कत में है, उनको सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए था जन मुद्दों को लेकर, लेकिन वो पार्टी आला कमान पर ये G23 बना के हमला कर रहे हैं। बावजूद इसके हम समझते हैं फिर भी जम्मू कश्मीर में जीए मीर से ज़्यादा जानी पहचानी शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद हैं, और उनके अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी को लगता है फायदा हो सकता है। जी, ट्रैफिक पुलिस ने बड़े अच्छे की मुहिम चलाई है जम्मू में, उन गाड़ियों को रोक कर तो उनको जो ड्राइवर्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है, जिस तरह से प्रेशर हॉर्न लगे हैं वो उतारे जा रहे हैं, और उसके बाद जो स्कूल की गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जा रहा है, और बच्चों से पूछा जा रहा है क्या ये ड्राइवर गाड़ी तेज तो नहीं चलाते हैं, या उसके अंदर जरूरत की चीज़ें हैं जिस तरह से पीने के लिए पानी चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, वो सारा अवेयर कर रहे हैं, इनको ये चीज़ें चेक कर रहे हैं उसके अंदर। ये बहुत एक अच्छी मुहिम चल रही है। नहीं, बहुत अच्छी है। आपको याद होगा अभी चार दिन पुरानी घटना है, जी जी, यहाँ के जो बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है DPS, जी जी, उसके परिसर में बस जल रही थी उनकी, तो और इस प्रकार की कई घटनाएं स्कूल बसों की रैश ड्राइविंग से दुर्घटनाएं होती हैं, स्कूली बच्चे बेचारे चोटिल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो कोशिश है ट्रैफिक पुलिस की, शायद उन तमाम चीज़ों की इशारा भी करती है कि ड्राइवर जो है जब स्कूल के बच्चे बैठे, हालांकि कई स्कूल के पीछे तो दर्जी, हालांकि आर्डर ये है कि उसके पीछे नंबर होने चाहिए, बिल्कुल ताकि कल को घटना दुर्घटना हो तो संपर्क किया जा सके। बहुत सी ऐसी बसें ठेके पे लड़के हैं जिनके पीछे नंबर ही नहीं है, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम समझे ट्रैफिक पुलिस उधर भी ध्यान देगी, और एक अच्छी मुहिम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इससे जो स्कूल के खासतौर से ड्राइवर हैं या उनके कंडक्टर हैं उनको इसको अमल में लाना चाहिए, चूँकि ये ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है ये आखिर हम सब परिवार के बच्चों के लिए जी जी। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये सबसे जो मुश्किल चीज सामने आती है, इस चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा कि कितनी बड़ी बस होनी चाहिए बच्चों के। जी जी जी, ये छोटी छोटी गलियों में बड़ी बड़ी बसें जो जाती हैं उससे बहुत बड़ी ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है। खासकर मैं ये कहूंगा लास्ट मोड पर एरिया में, जहाँ पहले ही इतनी ट्रैफिक है, नैरो टर्न है, पुलिया जो अब आधी टूटी हुई है बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि उसके लेफ्ट साइड की जो है आते वक्त बिल्कुल ग्रीन लाइट है, आप उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन उसमें जाने के लिए जगह ही नहीं होती है। जी, जी, इस तरह से वो गाड़ियां जगह वो स्पेस सारी है, और उसके ऊपर ये एक नहीं, शहर के अंदर भी है, गांधीनगर में भी है, और भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल की बड़ी बड़ी बसें जाती हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कितनी सीटर बसेस जो है वो शहर के अंदर जानी चाहिए और कितनी सीटर बसेस जो है वो बाहर जानी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहा, देखिए जिस प्रकार मेटाडोर है उसका साइज ठीक है, छोटे अगर नेहरू मोहल्ले जो चलती शास्त्री नगर से मुबारक मंडी की तरफ या दूसरी चलती है, तो मैं सब इस प्रकार की बसें होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, क्योंकि बड़ी बसों से अक्सर दुर्घटना की शिकायत रहती है, मोड़ के वहाँ पर कोने पर जिसका मकान है उसको भी आप धस्से निकल जाएंगे, तो तमाम दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस और भी ट्रैफिक पुलिस को और विशेषकर
जो हमारा या शिक्षा विभाग निदेशालय उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए और स्कूल मैनेजमेंट से कहना चाहिए कि भाई जो बसें लगा रहे हैं ये किन जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं उन इलाकों के सड़कों के मुताबिक बसों का साइज तय किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।